नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी जो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में न्यू रिक्रूटमेंट आई हुई है उसके बारे में। एंड फ्रेंड्स, हम इसमें बात करेंगे आपकी जो UPPCL की TG2 की न्यू वैकेंसी है वो कब आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो पाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके न्यू रिक्रूटमेंट आई हुई है, तो आप यहाँ पर इस प्रकार देख पाएंगे। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको यहाँ पर जाना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसीज एंड रिजल्ट्स, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा वैकेंसीज एंड रिजल्ट पर। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहां पर आप देख पाएंगे जो इसमें रिक्रूटमेंट की बात करता है। आप यहां पर देख सकते हैं इसमें जो रिक्रूटमेंट आई हुई है एडवर्टाइजमेंट नंबर 6VSA 2021 AA4 द पोस्ट असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए न्यू वैकेंसी आई हुई है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम इसकी पूरी फुल डिटेल्स की बात करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका। यहाँ से आप अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कुछ इस प्रकार है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यहाँ पर आप देख पाएंगे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसके समस्त डिस्कॉम एवं केस्को हेतु समूह के अंतर्गत सहायक लेखाकार के निम्नलिखित श्रेणीवार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्तियों की बात करते हैं, इसमें सहायक लेखाकार के अनारक्षित यानी कि आपकी जनरल श्रेणी के लिए 109, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 24, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 56, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 3 और अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए इसमें आपके लिए 48 रिक्त पद है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो पदों की संख्या है, इसमें पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो आयु सीमा की बात करें, तो आपकी इसमें आयु सीमा अधिकतम 21 वर्ष और अधिकतम इसमें आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। जो आयु में छूट मिलने वाली है, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी को इसमें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जबकि इसमें आपको OBC को 3 वर्ष की और SC ST को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। विकलांग अभ्यर्थियों को इसमें आपको दी जाएगी 15 वर्षों की छूट। जबकि आप यहां पर देख सकते हैं इसमें जो चयन प्रक्रिया की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले आपका CBT होगा यानी कि रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद आपका इसमें दो पार्ट होगा CBT के, इसमें आपका एक ओ लेवल स्तर का इसमें आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा जिसमें आपको 50 अंकों की परीक्षा देनी होगी। इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 की। आपके पास कंप्यूटर ज्ञान का प्रथम भाग की परीक्षा कम से कम 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। द्वितीय भाग में आपका जो सिलेबस होगा जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी होगी, अर्थमेटिक अकाउंटेंसी अटेंडिंग एंड इनकम टैक्स एंड द सिलेबस अकाउंटेंसी एडिटिंग एंड इनकम टैक्स इज डिटेल बिलो, इस प्रकार ये आपका सिलेबस होगा। आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा स्थान की बात करते हैं, इसमें आपको लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी शहरों में इसकी आपकी प्रतियोगिता परीक्षा होगी। जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको कब तक आवेदन करना होगा और इसमें आपकी क्या फीस होने वाली है। तो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी है, तो इसमें आपको 826 रुपये प्रति आवेदन करना होगा। जबकि इसमें आपको EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें आपकी 1180 रुपये फीस होगी, जबकि इसमें आपका विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 12 रुपये प्रति आवेदन इसमें आपका चार्ज लिया जाएगा। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। आवेदन कैसे करना होगा, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पर आपको इसकी वैकेंसी एंड डिटेल्स में जाना होगा। उस पर वहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना होगा, उसके बाद अपना आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। अन्य विशेष सूचनाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपको यानी ऑनलाइन की पूर्ण करने की तिथि तो 8/10/2021 से 28/10/2021 तक होगी, जबकि नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आपको फीस जमा करना होगा, वो भी आपका 28 नवंबर 2021 सॉरी अक्टूबर लास्ट होगा। जबकि इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑफलाइन भी इसमें आप अपना चालान भर सकते हो। ऑनलाइन की परीक्षा संभावित है दिसंबर के प्रथम सप्ताह में। तो फ्रेंड्स, आप इसका ये फॉर्म फिल कर सकते हो।
जबकि बात करें आपके TG2 के अदर्स वैकेंसीज की, तो फ्रेंड्स ये आपकी दिसंबर 2021 यानी कि 22 में ही आपका ये वैकेंसी आ जाएगा, TG2 का नया वैकेंसी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।